दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को कवर करने वाले हैं जो 2018 में ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए थे। दोस्तों अगर आप अच्छा मार्क्स करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो दोस्तों पिछले 10 साल के जितने सारे प्रश्न सेट हैं वो सारे को आपको देखना ज़रूरी है। सो आज मैंने सोचा कि चलो आज 2018 के प्रश्न उत्तर को मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे और क्या क्या पूछे जाते हैं। यानी मैंने देखा है कि पिछले 10 साल के जितने सारे प्रश्न सेट हैं उसी में से बस क्वेश्चन को आते हैं। तो दोस्तों क्या पता कि अगर आप लोग अगर पिछले 10 साल के सेट पढ़ लेते हैं तो इस साल भी आपको वही क्वेश्चन आ जाए, वही क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाए तो आपको काफ़ी आसानी होगी एग्ज़ाम देने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पर क्या करा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये दोस्तों काफ़ी आसान सी क्वेश्चन है और आप लोगों को भी पता है, तो राइट आंसर बी यानी कासंग युग के। ओके दोस्तों अब दूसरा नंबर में क्या पूछा गया है, कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और 2018 में, तो ये भी काफ़ी आसान है और आप लोग जवाब दे सकते हैं, तो बी डी नंबर रावी हो जाएगा। ओके दोस्तों अब यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, लोथल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गुजरात में स्थित है। ओके अब यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो किसने किया था? राइट आंसर यानी जॉन मार्शल ने किया था। ओके दोस्तों अब यहां पर अगला सवाल को देखेंगे तो आ चुकी है अगला सवाल, यहां पर क्या कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो ये भी क्वेश्चन जो है आप लोग पता है आप लोग को, तो राइट आंसर मेघस्तनीज हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे अगला सवाल यानी छह नंबर प्रश्न क्या है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो यहाँ पर आप लोग भी जानते हैं यानी बी नंबर समुद्रगुप्त। ओके अब यहाँ पर सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की? राइट आंसर यानी अशोक ने की थी। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगला, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर 8 प्रकार का उल्लेख किया गया है। अगर आप लोग लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं, लाइव में पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों एक चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वहां जाकर उस चैनल को क्लिक कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं 11 बजे और 4 बजे दिन को मैं लाइव क्लास आता हूँ, ठीक है, और आप लोग लाइव भी पढ़ सकते हैं। इससे आप लोग की जो है हर सब्जेक्ट में कवर कराता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस। ओके दोस्तों इन सारे सब्जेक्ट का लगभग जो है आर्ट्स के मैं कवर कराता हूँ, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखेंगे अगला नंबर यानी 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो यहाँ पर 18 दिनों तक चला है। दोस्तों आपको जरूर ही जरूर जो है पिछले 10 साल के सभी क्वेश्चन बैंक यानी जितने सारे पूछे गए हैं 2010 से आपको देखने हैं यानी 20 तक, यानी पिछले 10 साल के सभी अगर सेट देख लेते हैं तो दोस्तों आपको आसानी से जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कोई भी जो है दिक्कत नहीं आएगी। ओके फ्रेंड अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड को शेयर करना, ठीक है, ताकि उसको भी पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ क्या है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी भीष्म को जाना जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कह रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो राइट आंसर यानी जैन धर्म हो जाएगा। ओके फ्रेंड अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल के काल में हुई थी? तो राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, कनिष्क के काल में हुई थी। ओके अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, दीने इलाही संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर से दीने इलाही संबंधित है। अब यहाँ पर अगला सवाल कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है? तो राइट आंसर यानी बहादुर शाह जफर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, जजिया किससे लिया जाता है? तो राइट आंसर यानी जिम्मियों से लिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 देखेंगे तो थोड़ा सा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ और आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, अगर आप लोग को अच्छी तरीके से समझ नहीं आती है तो कमेंट करके बताइएगा कि सर कमेंट आहिस्ते बोलिए, तो मैं आहिस्ते अगला वीडियो पर बोलने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर किताबुर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिला है? तो राइट आंसर की बात करें तो इब्न बतूता का मिलता है। ओके फ्रेंड अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न 17 नंबर, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं अकबर ने किया था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं गजनी के साथ आया था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है,
प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो राइट आंसर यानी हम्पी में राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पर अगला देखेंगे क्वेश्चन, अयंकार व्यवस्था संबंधित थी। तो राइट आंसर यानी विजयनगर साम्राज्य से। अब यहाँ पर अगला देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? राइट आंसर देवराय हो जाएगा, कृष्णदेव राय। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्या कह रहा है, कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे? राइट आंसर यानी रामानंद के। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामानंद ने। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्रा कौन था? राइट आंसर यानी अब्दुल रजाक। क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर देखेंगे, क्या कह रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? राइट आंसर यानी कबीर। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी चिश्ती से। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृतांत मिला? तो राइट आंसर यह हो जाएगा अलबरूनी का मिलता है। मेघ अस्तनीज था, क्या था? तो राइट आंसर राजदूत। अब क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर यानी लॉर्ड वेल्सली राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? राइट आंसर यानी पुर्तगाल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1773। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1510 ईस्वी में। दोस्तों, अगर आप लोग को जो है नेक्स्ट ईयर का, अगर आप लोग कोई सा भी ईयर का चाहिए वीडियो, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 33 नंबर प्रश्न, क्या है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी 1932 में हुआ था। ओके फ्रेंड, सॉरी 1832। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, दमन इको क्या था? राइट आंसर यानी भूभाग। अब क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर देखेंगे, क्या करें, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर यानी बेगम हजरत महल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों, अगला नंबर क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर यानी लॉर्ड कैनिन। ओके, अब यहाँ पर अगला देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है, व्यापगत के सिद्धांत का संबंधित था? राइट आंसर यानी डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो राइट आंसर यानी नौ गौथिक शैली। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो राइट आंसर यानी 1911 राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या कर रहा है 41 नंबर, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी चंपारण से शुरू किया था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, 42 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 1920 राइट आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है 43 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, कह रहा है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा, यानी 1928 में आया था। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, और अब अगला जो है वीडियो किस चैप्टर यानी किस विषय का चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। 1919 के अधिनियम को क्या कहा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी दोस्तों रॉलेट एक्ट कहा गया था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ने हैं तो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1905 में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर देखेंगे, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो राइट आंसर क्या, चौधरी रहमत अली राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, क्या करेगा, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, क्या करा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर की बात करें क्या दोस्तों, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, अब आप लोग ये बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक यानी कौन सा विषय से अगला प्रश्न उत्तर चाहिए,
और आप ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और इसी तरह के क्या वीडियो आप लोग चाहते हैं। अगर आप लोग लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं यानी आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों एक चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे वहां पर लिखा रहेगा कि चैनल, ठीक है, तो उसको आप लोग क्लिक करके उस चैनल में जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए टाइम पर और आप भी लाइव जुड़ पाओ। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, तक तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।